हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। फेसबुक पर हुए कमेंट और मोबाइल पर गाली गलौज करने का मामला पकड़ा तोल, तथा कथित हिंदू जवाबवाहिनी भारत के कार्यकर्ताओं ने राजघाट थाने पर काटा बवाल, तथा कथित हिंदू जवाबवाहिनी भारत के अध्यक्ष सहित 9 गिरफ्तार। मामूली विवाद में युवक की हत्या, परिजनों ने शव रख कर किया NH-24 जाम। SSP शलभ माथुर ने बताया, रेस्टोरेंट संचालक और उनके 2 बेटे सहित 4 पर मुकदमा दर्ज, स्थिति सामान्य। महानगर के जलभराव स्थलों का DM ने किया निरीक्षण, कहा नालों पर अतिक्रमण करने वाले लोग उसे हटा ले, नहीं तो होगी कार्रवाई। सजनवा थाना क्षेत्र में शराब से लदी ट्रक लूटने तथा अवैध शराब ले जाने वाले अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, SP नॉर्थ ने किया खुलासा। नदियों के बढ़ते जल स्तर को देखते हुए जिला प्रशासन सतर्क, DM ने कहा बारिश से किसानों को हो रहा है लाभ। लूट की 3 मोबाइल के साथ 2 अभियुक्त चढ़े पुलिस के हत्थे, SP नॉर्थ ने किया खुलासा। मुख्य विकास अधिकारी अनुज सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई प्रादेशिक गौशाला पंजीकरण संबंधित बैठक, दी गई जानकारियां। भाजपा के गोरखपुर जिला इकाई की समन्वय समिति की बैठक हुई संपन्न, आगामी लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर कई बिंदुओं पर हुई चर्चा। जिलाधिकारी ने किया निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक, DM ने बाढ़ खंड अभियंता पर कड़ी नाराजगी प्रकट करते हुए दी चेतावनी। मुंशी प्रेमचंद जयंती के अवसर पर गोरखपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग द्वारा आयोजित हुआ व्याख्यान, प्रख्यात साहित्यकार प्रोफेसर विश्वनाथ तिवारी सहित कई वक्ताओं ने मुंशी प्रेमचंद के संघर्ष और साहित्यों पर प्रकाश डाला। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के 9 निर्वाचित क्षेत्रीय अध्यक्ष रणजीत राय बड़े के प्रथम नगर आगमन पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। अधिवक्ताओं और न्यायाधिकारियों ने दिया जिला जज को भावभीनी विदाई, कहा सराहनीय कार्यकाल रहा जिला जज का जनपद में। विश्व हिंदू परिषद की बैठक हुई संपन्न, बैठक में अखंड भारत संकल्प दिवस और विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस पर आयोजित होने वाले विविध कार्यक्रमों की रणनीति पर की गई चर्चा। और छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित किए जाने की मांग को लेकर गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रों ने दिया धरना, की नारेबाजी।